So hey everyone welcome back to my channel and in this video I am going to talk about Thomas Mallory because in the last video जिसमें हमने कुछ basic से जो authors थे writers थे उनको discuss किया था जो कि age of revival में mainly जिन्होंने work किया है एक तरफ हमने बात करी थी last video में कि एज ऑफ रिवाइवल सम हाउ कंसिडर टू बी एन अ काइंड ऑफ बैरन एज बिकॉज उस टाइम पे इतना ज़्यादा पोलिटिकल टर्मोइल हो रहा था सब कुछ ऊपर नीचे हो रही थी तो नो वन वॉज देयर टू थिंक अबाउट लिटरेचर की लिटरेचर के बारे में भी वी हैव टू डू सम हमें कुछ प्रोडक्टिव सा वर्क लिखना है या फिर कुछ बनाना है तो वहीं पे दूसरी तरफ हमने देखा कि एक आधे ऐसे ऑथर्स थे राइटर्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्क प्रोड्यूस किया था उस टाइम पीरियड में भी और थॉमस मैलोरी को हमने इसलिए उसमें कवर नहीं किया था बिकॉज ही वाज द वन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनका जो वर्क है मोटी दी अर्थर वो सबसे इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो uh, हम करेंगे इस वीडियो में थॉमस मैलोरी को थॉमस मैलरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसमें देख सकते हो या फिर आप उसे खुद सोच लेना ये देख के कि इसके फेमस वर्कस कौन कौन से थे सो ही वॉज़ द पर्सन जिसने इंग्लिश में वर्क किया है और उसने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को हमें लिख के दिया है जो कि इस टाइम पे बहुत फेमस है आप सब ने सुना होगा मोटी दी आर्थर के बारे में आर्थर के बारे में आपने सुना सुनाता जब हमने बात करी थी नॉर्मन पीरियड में एंग्लो नॉर्मन पीरियड में वेर वी हैव डिस्कस्ड कि उस टाइम पे थ्री डिफरेंट साइकिल्स प्रोड्यूस होती थी डेवलप होती थी एक था मैटर ऑफ ब्रिटेन तो मैटर ऑफ़ ब्रिटेन में हमने बात करी थी कि आर्थर से रिलेटेड या फिर अर्थेरियन लेजेंड अर्थेरियन नाइट्स इन सब से रिलेटेड जो वर्क्स थे वो उस डेवलपमेंट में उस साइकिल के अंडर में आते थे सो ही वॉज़ द पर्सन जिन्होंने इनके ऊपर आर्थर के ऊपर एक वर्क लिखा है बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है ले मोटी दी आर्थर क्योंकि ये फ्रेंच उसमें लिखा गया था तो ये पहला प्रोज बोल सकते हैं हम जो कि तो इसका नाम है ले मोटी दी अर्थर इसकी स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिख दी है जिसका मतलब होता है डेथ ऑफ द अर्थर जो अर्थर थे अब वेरी ग्रेट और लेजेंडरी नाइट और किंग भी बोल सकते हैं उनकी डेथ हो जाती है इसके टाइटल पे इसको रखा गया था अब दिस वॉज द फर्स्ट प्रोज अकाउंट इन इंग्लिश ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द लेजेंडरी किंग आर्थर आर्थर आपको पता है बहुत ही लेजेंडरी थे उनका राउंड टेबल था एक उनकी नाइट्स की क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर थी वो बहुत ही परफेक्ट नाइट्स एक नाइट थे तो इस बुक में मेनली बता रखा उनका राइज एंड फॉल कि उनका फॉल कैसे हुआ उनकी डेथ कैसे हुई प्लस जो उनकी राउंड टेबल थी उसका फॉल कैसे हुआ उसके जो नाइट्स थे उनका फॉल कैसे हुआ दिस वॉज कंप्लीटेड इन फोर्टीन सेवेंटी में और आपको याद होगा कि फोर्टीन सेवेंटी सिक्स में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस कर दिया था So, उस सो उस चीज़ का इसको फ़ायदा मिला और विलियम कैक्सटन ने इसे फोर्टीन में प्रिंट कर दिया पब्लिशिंग फॉर्म में प्रिंट किया था पब्लिश कर दिया था तो ऐसा बोला जाता है कि जो थॉमस बैलरी थे ही वॉज अ ले मैन राइटर मतलब कि एक ऐसा बंदा एक ऐसा पर्सन हु इज़ नॉट अ प्रोफेशनल राइटर कि अगर आप प्रोफेशनल राइटर नहीं हैं बट स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी सुपीरियर और आप कोई ऐसे प्रोफेशनल चीज़ लिख रहे हैं तो आपको बोलेंगे कि आप एक ले मैन राइटर हैं फॉर एक्जाम्पल अगर मैं अभी कुछ लिखूँ तो ऑब्वियसली मैं एक प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ बिकॉज़ देर इज़ नथिंग इन मी कि मैं बोल सकूँ कि ये चीज़ सुपीरियर है बट स्टिल अगर आप कुछ लिखना चाहते हो आपको लगता है कि आप लिख सकते हो एज़ अ स्टूडेंट ऑफ़ लिटरेचर आप कुछ लिखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप प्रोफेशनल नहीं हुए हो क्योंकि अभी आपने पूरी स्टडीज़ नहीं करी हैं आपका वो कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ है जो भी चीज़ें हैं तो वो बोलेंगे लेमन राइटर सो ही वॉज द पर्सन जिसे बोल रहा था कि एक लेमन राइटर थे बिकॉज ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल राइटर तो ये एक इनको नाइटहुड दिया गया था आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में वो डिस्कस करा था कि नाइट हुड क्या होता है जब हम किसी पर्सन को नाइट हुड कर देते हैं नाइट के उसे टाइटल मिल जाता है तो हम उसे सर बोलने लग जाते हैं जैसे कि हमने बात करी सर थॉमस वॉट की कि उनके आगे सर लगा दिया गया था उसी तरीके से थॉमस मैलरी के वो नेम के आगे सर लगा दिया गया था क्योंकि इन्हें नाइट हुड का एक टाइटल दिया गया था तो हम इन्हें बोलते हैं सर थॉमस मैलरी अब इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सर्व किया इनके कनेक्शन अच्छे थे उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा क्राइम्स करना स्टार्ट कर दिया अब आपको इस पर्सन को एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रेट करके देखना है अपने माइंड में क्योंकि जितना आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हो उतना आप उस बंदे को या फिर किसी भी चीज़ को किसी भी स्टडी को आप लर्न कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप रख सकते हो सो ही वॉज द पर्सन जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पेस तो मिल गया था बट ही वॉज सो मच कमिटेड टू कमिट क्राइम्स ये बहुत क्राइम्स करते थे इसमें बहुत सारे क्राइम्स इन्होंने करे थे जैसे कि थप्पट या फिर जितने भी एक सेक्शुअल वायलेंस होते हैं ये भी इन्होंने करे थे और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स करे थे बट ही वॉज पार्ट फॉर फोर हिज क्राइम क्यों क्योंकि इनके पार्लियामेंट में अच्छे कनेक्शन थे तो उन्हें उस चीज़ के लिए कभी भी पनिशमेंट नहीं मिली थी बट कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि ठीक है दिस वॉज द एंड कि इसके बाद अब भैया कोई तुम्हें माफ़ नहीं करेगा तो इनके साथ भी ऐसा हुआ एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि इनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया क्योंकि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो पार्लियामेंट के एक एक पायस इन्वायॉयरमेंट में फिट होता है तो उन्हें वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया एंड उसके बाद जब इनके क्राइम्स हो रहे थे तो उनको इम्प्रजेंट कर दिया गया क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं था कि अब पार्लियामेंट से निकल गए तो अभी भी आपको कोई बार्डन करता रहेगा आपको कोई माफी देता रहेगा सो ही वॉज इम्प्रेजेंट अब जब इन्हें इम्प्रेजेंट किया गया उस ड्यूरेशन में इन्होंने अपने एक वर्क लिखा क्योंकि आपने सुना ही होगा जितने अच्छे अच्छे फेमस वर्क्स हैं वो मैक्सिमम जेल में लिखे जाते हैं क्योंकि टाइम कुछ बहुत सारा होता है करने को कुछ होता नहीं है तो सेम सिचुएशन से इनके पास भी थी इन्होंने अपने प्रेजेंट के टाइम पे एक वर्क लिखना स्टार्ट करा और इसमें इन्होंने मेनली बात करी है शिवेलरिक वैल्यूज़ की शिवेलरिक वैल्यूज़ क्या होता है जैसे कि कोई भी नाइट है कोई भी सोल्जर की तरह आप लिख सकते हो कि नाइट है उसकी क्वालिटीज़ को दिखाया जा रहा है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए वो बंदा बिल्कुल ही जस्ट होना चाहिए जस्टिस करे ऐसा हो वैसा हो तो ये जो चीज़ें वो लिख रहे थे कि एक परफेक्ट नाइट को कैसा होना चाहिए और उनकी जो लाइफ थी जो वो खुद कर रहे थे ये दो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं क्योंकि आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा कमिट करते थे क्राइम्स को वो पार्लियामेंट में थे उन्होंने क्राइम्स करे उन्हें भी नाइट हुड मिला हुआ था तो बीइंग एज ए नाइट वो उस चीज़ों को फॉलो कर ही नहीं रहे थे जो चीज़ें वो अपनी वर्क्स में डिपेक्ट कर रहे थे अब कभी कभी हम बोलते हैं कि जो बंदा अपनी वर्क्स में जो डिपेक्ट करता है उसकी उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही होती है बट इनके साथ वो नहीं है बिकॉज इन्होंने अपनी पर्सनालिटी के जस्ट अपोजिट अपना वर्क लिखा कि खुद तो बंदा एक अच्छा नाइट है नहीं उसने खुद तो कभी कोई मॉरल वैल्यूज़ फॉलो करी नहीं शिवेलरिक वैल्यूज़ फॉलो नहीं करी बट स्टिल ही इज़ टॉकिंग अबाउट शिवेलरिक वैल्यूज़ कि बंदे को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है जब वो खुद नहीं है बट फिर भी उन चीज़ों को डिपेक्ट करा तो दिस इज़ काइंड ऑफ आयरनी कि हाँ है नहीं पर फिर भी तो इस पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ली मोटी दी आर्थर जो वर्क है इस वर्क का जो टाइटल है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब होता है डेथ ऑफ आर्थर जो आर्थर नाइट थे किंग थे उनकी डेथ नाउ वी आर ऑन द टेक्स्ट ली मोटे दी आर्थर में मेनली बात क्या करी गई है हम इसको डिस्कस करेंगे सो so ये जो वर्क है ये हैवीली बेस्ड है, है जोफरी मनमथ का जो वर्क था हेवी यू रिमेंबर डेट जब हमने डिस्कस करा था um, एंग्लो नॉमन पीरियड में आई थिंक यस कि उस टाइम पे कौन कौन से वर्क्स लिखे गए थे तब हमने बात करी थी जॉफ्री ऑफ मनमथ की कि इनका एक बहुत ही फेमस वर्क इन्होंने प्रोड्यूस किया था विच वॉज हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया जिसमें इन्होंने आर्थर के बारे में डिस्कस किया था कि आर्थर कैसे उनका मतलब बर्थ कैसे हुआ या फिर उनकी उनकी लाइफ टाइप लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे प्लस हमने किंग लियर की बात करी थी कि किंग लियर उनकी जो थ्री डॉटर्स हैं उनका रेफरेंस भी उसी बुक में मिलता है तो इसका कहीं ना कहीं जो सोर्स है वो भी वहीं से लिया गया है जोफरी मनमत के वर्क से एक पीस है उनका वर्क है उनसे लिया गया है इसका रेफरेंस आर्थेरियन लिटरेचर का एक फेमस पीस है ये और ये रिवाइज और प्रिंटेड किया गया था विलियम कैक्सटन ने उन्होंने ही किया था मैंने आपको बता दिया इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था द होल बुक ऑफ द किंग आर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स ऑफ द राइन टेबल राउंड टेबल इनकी जो स्पेलिंग्स थी दे वर डिफरेंट क्योंकि उस टाइम पे इसी तरीके से लिखी गई थी इनकी स्पेलिंग्स बाद में इन चीज़ों को चेंज कर दिया गया इनकी डेथ के बाद जब इसका टाइटल था वो चेंज कर दिया और इसका टाइटल रख दिया पब्लिशर्स ने ली मोटी दी आर्थर अब इसमें मेनली जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी अगर आपको बैकग्राउंड वाली वीडियो याद है लेक्चर याद है जिसमें हमने बात करी थी कि उस टाइम पे एज ऑफ रिवाइवल में क्या क्या चीज़ें हो रही थी वेयर वी हैव डिस्कस कि उस टाइम पे वॉर ऑफ़ रोजेज चल रहा था फोर्टीन में और थर्टी इयर्स तक वो वॉर ऑफ़ रोजेज़ चला था उसके बाद कितना ज़्यादा मोनार्की में कितने ज़्यादा टर्मोइल हो रहे थे कभी कोई आके बोलता है कि वी हैव हाँ टू तो फॉलो प्रोटेस्टेंट कभी कोई बोलता है कि वी हैव हाँ टू तो फॉलो कैथोलिसिज्म तो उस टाइम पर जो चीज़ें हो रही थी वॉर ऑफ़ रोजेज़ में जो क्योंकि वॉर ऑफ रोजेज़ दो रॉयल ब्लड लाइन के बीच में चल रहा था याद है आपको जब हमने बात करी थी कि एक थे यॉर्क के और एक थे लैंसेस्टर के दोनों रॉयल ब्लड थे दोनों के अंदर रॉयल ब्लड था बट दे वर फाइटिंग फाइटिंग अ वॉर के कौन आगे रूल करेगा तो उसका रेफरेंस इसमें दिया गया है कि जो पोलिटिकल टर्मोइल था या फिर जो उस टाइम पर चीज़ें हो रही थी अगर कोई बंदा है अगर वो आपस में ही लड़ता रहेगा अपने ही किंगडम में लड़ता रहेगा तो डेफिनेटली उनका जो एंड होगा वो फॉल होगा डुम हो जाएगा वो पूरा किंगडम तो वही चीज़ हम इसमें देखेंगे जो आर्थर हैं उनका जो आइडियल किंगडम था क्योंकि आर्थर तो बहुत ही ग्रेट नाइट थे वो उस काइंड ऑफ वेरी फेमस पर्सन उनका राउंड टेबल बहुत फेमस था उनके नाइट्स बहुत फेमस थे वाई दे ऑल एंड अ सिचुएशन जहाँ पे सबकी डेथ हो जाती है और जो उनका किंगडम है वो दैट वॉज डूम्ड तो वो क्यों हुआ तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं वो क्यों होता है वो भी हम इसमें देखेंगे तो जो किंग आर्थर की ये जो बुक लिखी गई है ली मोटी दी आर्थर इसमें किंग आर्थर के बारे में स्टोरी है इनकी वाइफ जिनका नाम था गुनेवर उनके बारे में है और इनका एक बहुत ही फेमस राउंड टेबल पे एक बहुत ही फेमस नाइट था जिसका नाम था लैंस्लॉट अब लैंडलॉट और जो गुनेवर थी जो कि आर्थर की वाइफ थी इन दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और उसी वजह से कहीं ना कहीं इनका कही कही डाउनफॉल होता है इनके किंगडम का डाउनफॉल होता है ये जो इनका वर्क है ट्वेंटी वन बुक्स में डिवाइडेड है और ट्वेंटी वन बुक्स के अंडर में हमें एट स्टोरी सुनने को मिलेंगी एट में से जो लास्ट स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है बिकॉज उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है तो वो लिख नहीं पाते हैं अब इसमें क्या हुआ फ़र्स्ट बुक जो है वो जो फ़र्स्ट स्टोरी है मेनली बुक नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि ट्वेंटी वन बुक्स हैं एट स्टोरीज हैं तो फर्स्ट स्टोरी क्या है इसमें बताया गया है राइज एंड फॉल ऑफ अर्थर आप इसको गूगल करोगे आपको बहुत ही ईजिली पूरा गूगल में मिल जाएगा तो इसमें मेनली क्या है स्टार्टिंग से ये बता रखा है अगर मैं एक सिंपली जमरी की बात करूँ जो आपको माइंड में रखनी है तो स्टोरी में क्या है कि स्टार्टिंग में बर्थन राइज होता है अर्थर का कैसे कि जो किंग ऊथर है द फादर ऑफ किंग अर्थर जो ऊथर हैं जो किंग थे उनका एक अफेयर चल रहा होता एक लड़की से एक वुमेन से जो कि क्वीन नहीं थी शी वॉज नॉट द क्वीन और उनके साथ उनको एक बेबी होता है एंड that वॉज द अर्थर बट वो क्वीन नहीं थी इसीलिए जो अर्थर था इसको बाहर भेज दिया जाता है या फिर फॉस्टर फादर को दे दिया जाता है क्योंकि क्वीन से होता तब वो किंग बनता ना प्रिंस बनता लेकिन वो क्वीन से नहीं था दूसरी वुमेन से था जिसका नाम था इग्रीन यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिल जाएगी स्क्रीन पे तो उनका जो सन था उसका नाम था आर्थर अब आर्थर को जब फॉस्टर फादर को दे दिया महल में वो नहीं था तो फिर उसे एक विजार्ड ने रेस किया उस विजार्ड का नाम है मॉल मर्लिन अब जो मर्लिन है ये बहुत ही सपोर्टिव है आर्थर के लिए सो तो जो मर्लिन है मर्लिन डि डिज़ाइंड डिज, अ स्पेशल राउंड टेबल फॉर ऊथर उसने एक डिज़ाइन किया था ऊथर के लिए राउंड टेबल ठीक है जहाँ पे वेयर वन फिफ्टी और हंड्रेड राउंड जो नाइट्स थे दे कैन सिट एट अ टाइम एक साथ बैठ सकते थे वेयर दे हैव टू डिस्कस अबाउट समथिंग जो भी वो डिस्कस करना चाहते हैं एंड द ऊथर वॉज द वन जो हेड पे बैठता था, था एक सेंटर पे बैठता था, था कि ये हेड होगा लेकिन जब ऊथर की डेथ हो जाती है तो ये चीज़ें उठती हैं या फिर ये आवाज़ उठती है कि हु शुड बी द हेड कि अब हेड पे कौन बैठेगा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऊथर का कोई सन है सन था लेकिन वो सन uh, नहीं था क्योंकि वो इलीगल था इलिजिटमेट चाइल्ड था क्योंकि वो क्वीन से नहीं था तो ये बोला गया कि कौन हेड पे बैठेगा उस टेबल के तो ये डिक्लेयर किया गया कि जो भी बंदा एक फेटेड स्वर्ट था एक, uh, एक तलवार थी जो कि एक स्टोन के अंदर थी एक्स कैलीबार जिसका नाम था ये बोला गया कि जो भी पर्सन उस स्वॉर्ट को निकाल देगा ही विल बी द ही विल बी द वन जो कि किंग बनेगा या फिर हेड पे बैठेगा लेकिन कोई निकाल नहीं पाता देन उसके बाद आर्थर आता है और वो उस चीज़ को निकाल देता है बिकॉज उसके अंदर तो वो पावर है ही अब कोई माने या ना माने किसी को नहीं पता लेकिन ही द वन जो उसका चाइल्ड है उसका सन है तो उसके अंदर तो वो पावर्स होंगी ही होंगी तो फिर वो उसको निकाल देता है जो राउंड टेबल है वो दोबारा से आर्थर के पास आ जाता है वो उसका हेड बन जाता है एक तरफ जो ऊथर था वो वन फिफ्टी और हंड्रेड नाइट्स के फा बैठता था तो जो आर्थर का राउंड टेबल था वहाँ पर सिर्फ ट्वेल्व नाइट्स थे तो उसी टाइम पर जो मर्लिन है आ, मर्लिन की प्रोफेसी होती है कि राइज एंड फॉल होगा राउंड टेबल का मतलब कि अर्थर का और उसका राउंड टेबल का भी राइज एंड फॉल होगा एक बार चढ़ेगा और एक बार गिर जाएगा अब इसी में बहुत ज़्यादा से दिखा रखा है कि जो अर्थर है उनके जो नाइट्स है थे वो सो मच ब्रेवरी में घुसे हुए थे कि वो यहाँ वहाँ फाइट करते थे जीत जाते थे देन दे डिसाइडेड टू हेल्प अदर्स एज वेल कि दूसरे की भी मदद करेंगे यहाँ वहाँ जाते हैं इनके नाइट्स भी जाते हैं दूसरे की हेल्प करने के लिए बट सडनली क्या होता है कि बीच में आठ तरह उनकी शादी हो जाती है गनीवर से अब जब उनकी शादी हो गई और उसके बाद क्या होता है इनका एक बहुत ही फेमस सा ब्रेव दम बोल सकते हैं लैंड स्लॉट एक बंदा है एक नाइट है उन दोनों के बीच में अफेयर स्टार्ट हो जाता है अब जब ये अफेयर स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये एक फॉरबिडन लव था उसे पता था क्योंकि क्वीन एंड देन नाइट के बीच में ऑब्वियसली कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था बट स्टिल वो था तो उससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में ही ऐसे वॉर होते हैं एक बार जब पता चलता है आर्थर को कि उसके नाइट के बीच में एंड द क्वीन के बीच में अफेट चल रहा है सो ही डिसाइडेड टू बर्न द क्वीन तो वो बोलता है सेंटेंस कर देता है कि गनीवर को टू बी बर्न इन्हें जला दिया जाए बट जो लैंस लेट है वो उसे सेव कर लेता है उसे अपने कासल में लेके चल जाता है कुछ दिनों बाद जो लेंस लैट हो वो क्वीन को वापस कर देता है आर्थर को कि ठीक है दैट वॉज़ माई मिस्टेक तो आप अपनी क्वीन को अपने पास रखियो लेकिन रखो लेकिन उस टाइम पे क्या होता है अर्थर लैंसलॉड को मैनेज कर लेता है अपने राउंड टेबल से दैट मीन्स कि लैंसलॉड अब एक राउंड टेबल का नाइट नहीं है उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है अब उसके बाद जो आर्थर है वो भी बाहर गया होता है तो उसका जो बेटा है आर्थर का जो बेटा है यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया मॉडल तो वो क्या करता है वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है दैट ही इज़ द किंग ऑफ द इंग्लैंड तो जब आर्थर वापस आता है दोनों के बीच में बैटल होती है और बैटल में क्या होता है जो उसका सन है वो भी मर जाता है अर्थर भी बहुत ज़्यादा मोटली वॉन्टेड हो जाता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है तो इससे क्या हुआ पूरा जो सिस्टम था जो राउंड टेबल था वो डिस्ट्रॉय हो गया अर्थर ने अपने सन को मार दिया खुद भी मर गया लें और लॉटर जो थी दोनों ही डाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इलनेस राउंड टेबल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो क्या हुआ कि एक राइज एंड फॉल जो था जो एक प्रिडिक्ट किया गया था प्रोफेसी करी गई थी वो सच हो जाती है और चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इस वीडियो में बस इतना ही एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एलिजाबेथ इन एज को स्टार्ट करेंगे विच इज़ सुपर डुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको खुद पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट क्लास के लिए अदरवाइज आई विल बी द वन जॉब को सब कुछ बताएगा ही एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर बाय बाय